नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल कार पॉइंट हिंदी के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं गियर का अटकना या गियर का टाइट लगना, ये किस वजह से होता है इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। आपने दोस्तों फील किया होगा मॉर्निंग में गाड़ी को जब आप स्टार्ट करते हैं और रिवर्स या फॉरवर्ड करने के लिए फर्स्ट या रिवर्स गियर डालते हैं, तो कभी कभी गियर अटकता है, गियर लगता नहीं है एक बार में। और कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि गियर जो है वो काफ़ी हार्ड लगने लग जाते हैं, तो इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, इसके तीन रीज़न हो सकते हैं। और आजकल की जितनी भी गाड़ियां होती हैं उसमें केबल शिफ्ट सिस्टम होता है। पहले की जो गाड़ियाँ होती थी उनमें रोड सिस्टम होता था, लेकिन अभी जो हैवी व्हीकल्स आते हैं उनमें अभी भी रोड सिस्टम होता है, लेकिन आजकल की जितनी भी गाड़ियां होती हैं उनमें केबल शिफ्ट सिस्टम होता है। तो ये जो सिस्टम है उसको मैं आपको दिखा भी देता हूं और आप ताकि अच्छे से जान पाएं। ये जो आप कवर देख रहे हैं इसको मैं यहाँ से टानूंगा तो ये इस तरह से निकल जाएगा। देखिए, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, अब आप देख पा रहे होंगे ये जो है हमारी गाड़ी का गियर लीवर है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कुछ इस तरह का जो पूरा असेंबली है प्लास्टिक की, ये जो है गियर को चेंज करने का काम करती है। और अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पर दो वायर दिख रहे हैं, एक ये एक ये, ठीक है। तो दो वायर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे जो कि गियर बॉक्स तक जाते हैं और गियर को शिफ्ट करने का काम करते हैं। आप देखेंगे, देखिए जब मैं इसको इस तरह से कर रहा हूँ तो एक वायर आगे की तरफ जा रहा है और इसको कर रहा हूँ तो दूसरा वायर आगे की तरफ जा रहा है सेकंड गियर लगाने पे। फर्स्ट गियर लगाने पे देखिए, तो जो वायर है इसके थ्रू जो है गियर शिफ्ट होते हैं, ठीक है। और पहले जो गाड़ियाँ आती थी उनका जो गियर बॉक्स है, जैसे रियर व्हील ड्राइव वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनका गियर बॉक्स जो है वो यहीं पर होता है, तो सीधे रोड से जुड़ा होता है, उसकी सहायता से गियर शिफ्ट होते हैं। तो गियर का हार्ड लगना या फिर अटकना, उसका जो पहला रीज़न है वो जो आप ये जो असेंबली देख रहे हैं प्लास्टिक की, इस पर ग्रीसिंग का ना होना। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं वाइट कलर की ये ग्रीस है, ठीक है। अगर ग्रीस नहीं होगी तो ये अटकेगा। दूसरा रीज़न है जो मैंने अभी आपको केबल दिखाई, ये दोनों ये जो देख रहे हैं, इसका ख़राब होना या जाम हो जाना, इसके वजह से भी जो है गियर हार्ड लगते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा जो तीसरा रीज़न है वो है क्लच। क्लच का जो एडजस्टमेंट है वो ठीक से ना होना या क्लच असेंबली में कोई ना कोई प्रॉब्लम आने की वजह से भी गियर जो है हार्ड लगने लग जाते हैं। तो मुख्यतः ये तीन ही कारण होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, ये जो पूरा बूट है ये आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा प्ले आ जाती है, क्योंकि समय के साथ साथ ये घिसने लग जाता है, ग्रीसिंग कम होने की वजह से ये ख़राब हो जाता है और प्ले आ जाती है, इसकी वजह से भी जो है गियर प्रॉपर नहीं लगते। लेकिन ऐसा तब होता है जब गाड़ी आपकी काफ़ी ज़्यादा चल जाती है, आपकी आदत में जो है गियर को बार बार चेंज करना हो, या आप सिटी में ज़्यादा चलते हो तब जो है ये दिक्कत आती है। तो इसमें अगर अधिक प्ले होगी यहाँ पर तो उसकी वजह से भी गियर हार्ड लगते हैं, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि गियर का हार्ड लगना या गियर का टकना किस वजह से होता है। स्पेशली मॉर्निंग में आपने काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन किया है कि रिवर्स गियर हार्ड लगता है, तो उसके पीछे एक रीज़न ये भी है क्योंकि जो रिवर्स गियर होता है वो सिंक्रोमेस नहीं होता है, नॉर्मल गियर गरारी होती है उसमें, ठीक है। जबकि फॉरवर्ड जो गियर होते हैं उनकी गरारी डिफरेंट होती है, जिससे वो आवाज़ भी नहीं करता और स्मूथली चेंज हो जाता है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। इसको लगा देते हैं हम इस तरह से।